हाय व्यूवर्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जिलेट वेनस स्मूथ एलोवेरा रेजर का। ये बहुत ही पहले निकला था लेकिन मैं तब नहीं खरीदी थी, अब मैंने ख़रीदा तो इसका प्राइस तो हाई है। मतलब इसका प्राइस है 280 अगर आप नॉर्मल दुकान से लोगे, ओके। और इसका प्राइस ऑनलाइन में बहुत है, 370 के आसपास ऑनलाइन में। और इसका जो एक ब्लेड का जो प्राइस है, एक ही ब्लेड रहता है जो मैं आपको दिखाऊंगी, उस ब्लेड का प्राइस है 250, सिर्फ उस ब्लेड का प्राइस है, ओके। क्योंकि स्टॉक में था इसलिए मुझे 280 में मिल गया, लेकिन ये मार्केट में अभी 320 ऐसा कुछ चल रहा है, 320 ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में, ओके। ये क्योंकि स्टॉक में था इसलिए मुझे मिल गया। ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको अभी बैक कैमरा करके दिखा दूंगी। ये देख लो, एक कुछ इस तरह से दिखता है, एक ग्रीन में आता है और एक ही ब्लेड है जैसा मैंने बोला था। इसको आपको निकालना है ऐसे, इसको मुंडी के ऊपर, हेड के ऊपर ये लगाना है, ठीक है। जैसा कि सब महंगे रेजर में आता है, 3 डायमंड कोटेड ब्लेड इसमें भी है, ओके। और इसमें एक एलोवेरा का लेयर है जो आपके स्किन के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करता है, मतलब चल जाता है, ओके। आपको कुछ कटबट ये दिख रहे हो, ये साइड में जो एलोवेरा का जेल है, ये देखो, ये जो टू लेयर्स दिख रहा है यहाँ पे ब्लू, ये है एलोवेरा का वो लेयर जिसमें आपके मतलब शरीर में कुछ कटबट कुछ नहीं लगता। आप कहीं पे भी इसको यूज करो, अंडर आर्म्स में, कुछ भी कहीं पे भी, आप बिकिनी एरियाज में कहीं पे भी आप यूज कर लो, कहीं पे भी कुछ मतलब कुछ कट नहीं करता। अदर्स जो रेजर होता है वो भी वेनस का जो एक आता है 70 रुपीज़ का पिंक कलर का, उसमें मुझे तो बहुत कट लगते हैं इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया यूज़ करना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इस एलोवेरा कोटिंग की वजह से इस ये स्किन में स्मूथली जाता है और कुछ भी कट मुझे नहीं दिखा। मैं आपको बाद में भी इसका जो यूज़ है मैं इसको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगी आपको, आप लोग देख लेना। ये देख लो, मैं इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा यूज़ मत करना क्योंकि ऐसे आपके स्किन के ऊपर ये अच्छे से नहीं चलेगा। आपको सोप यूज़ करना है, उसके बाद उसका जो झाग बनाना है, मतलब सोपर पानी को उसके बाद आपको यूज़ करना है, तो ये स्मूथली चलेगा, बहुत अच्छे से आपके स्किन के हेयर को ये रिमूव कर देगा, ओके। ये मैंने यूज़ किया विदाउट सोप, रुको आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देख लो, थोड़ा सा शायद आप डिफरेंस इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा ये हटा है बाल, मिडिल का बाल थोड़ा सा हटा है और साइड का बाल देख रहे हो वो विजिबल हो रहा है आपके पास, लेकिन मिडिल का बाल हट गया है, ओके। जिस तरफ बाल है ना उसके ऑपोजिट साइड में आपको रेज करना है, ओके। ये देखो बाल हट रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, इसको सोप यूज करके करते हैं, चलो तो फिर अच्छे से हटेगा, ठीक है। ये देख लो हट रहा है बाल, चलो अब इसको सोप यूज करके करते हैं। चलो अब अंडर आर्म्स का बाल निकालते हैं, ओके। जिस साइड बाल है उसके ऑपोजिट साइड में करना, जिस साइड बाल है आप उसके ऑपोजिट साइड में ही रेजर को यूज़ करना, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों तरफ से कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास, मैं बहुत लेजी हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है, और मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में मैं रेडी होती हूँ, तो इसीलिए आप जैसा भी चाहो ऐसा यूज़ कर सकते हो, कट वट लगने का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। उस एलोवेरा कोटिंग के वजह से कटवट लगने का कोई चांस नहीं है, बस स्मूथली करना, ज़्यादा इसको मतलब प्रेस मत करना, स्मूथली करना। ये देख रहे हो सारे बाल निकल गए। और आप इसको मतलब धो सकते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि आप इसको धो नहीं सकते, मैं इसको ऐसे ही पोंछ दे रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से इसको यूज़ करना है और मेरे पास पानी नहीं था तभी, तो मैं इसको इसलिए गमछे से मूछ दे रही हूँ, टॉवल से, ओके। आप देख रहे हो, ये देख लो सारे बाल निकल गए, और जो छोटे छोटे बाल हैं वो नहीं निकल रहे हैं, वो अभी मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैं एकदम स्मूथली कर रही हूँ ताकि कोई कटवट कुछ ना लगे। मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, वो छोटे छोटे बाल भी निकल जाएंगे। हो गया,
दिस इज द फाइनल रिजल्ट, सब बाल निकल गए। अब इसको धो भी सकते हो, समझे? पूरा क्लीन हो गया। मैं आप लोगों को एक बार क्लोजर शॉट दिखा दे रही हूँ कि सारे के सारे बाल निकल गए, और ये मेरा खुद का पैसा है, कोई इसमें प्रमोशन नहीं है, उन लोगों ने मुझे कोई नहीं भेजा, कंपनी से कुछ भी नहीं भेजा, ये मैंने खुद अपने जेब से 280 रुपीज निकाले और खरीदा। उसके बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। पहले 100 ले लेना, फिर 100 जिलेट का, ये जो रेजर है वीनस का, ये वीनस का रेजर, और सोप दे देना। उसके बाद जिस तरफ से बाल है उसके अपोजिट साइड में करना, ठीक है? देख लो, अब इधर भी कर सकते हो, ऑनवर्ड कर सकते हो और बैकवर्ड कर सकते हो, ठीक है? चलो अब इसको मूंछ लेते हैं। पूरा क्यों नहीं निकला, ट्राई करते हैं लाइव। सूप भी नहीं निकल रहा है, ओके। थोड़ा सा पानी यूज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लीन से निकले, ओके? चलो देखो पूरा हो गया क्लीन। एकदम क्लीन। इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। और नहीं निकलेंगे क्योंकि ये मेरे पैचेस हैं, मतलब जो दाग होता है वो है, और नहीं निकलेंगे, ओके? चलो आप लोगे थोड़ा थोड़ा सा मैं हैंड में भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है? इसे ले लेंगे सोप। सोप ले लिया, उसके बाद ये मैंने पानी से थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था तो मैं क्लोजर शॉट लेना भूल गई थी। उसके बाद ये देख लो, मैं 2 दिन के बाद ये ले रही हूँ, ये पूरा का पूरा क्लीन है। और उसको मेरा यूज़ किया, 2 दिन हो गया रेजर, एक भी बाल अभी तक नहीं निकले, ओके? रेजर यूज करने के बाद मॉइस्चराइज करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइज करना है आपको स्किन को, ओके? रेजर को लेके एक जो मिथ है ना कि हम लोग बाल नहीं हटाएंगे तो बाल ज़्यादा निकलते हैं, बाल के ग्रोथ हेवी हो जाते हैं, बाल मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आईब्रोज करते हो, ठीक है, जब आप आईब्रोज कंटिन्यू करते हो तो आपके बाल के ग्रोथ स्मूथ होते हैं, एक शेप में आते हैं। तो वैसा ही ये है, जब आप रेजर भी यूज़ करते हो उसका भी वही है, बस अच्छा वाला रेजर यूज़ करो और ठीक से यूज़ करो, वही है फंडा सब कुछ का, ओके? और बाहर निकलने से सनस्क्रीन यूज़ करना बाहर निकलने से पहले, क्योंकि आप बाल हटा रहे हो तो सनलाइट आपके स्किन में डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सो कैसा लगा बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।